इन दिनों सोने की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई हैं। घरेलू बाजार में सोने के दाम 57,000 रुपए का आंकड़ा पार कर चुके हैं। कोरोना काल में सोना वीआईपी बन गया है। निवेशक जमकर सोने में पैसा लगा रहे हैं। इसकी बानगी लॉकडाउन के बाद खुली ज्वेलरी शॉप में बिक्री के ट्रेंड से आसानी से समझी जा सकती है, लेकिन ऑल टाइम हाई के बावजूद दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग रही है। इंटरनेशनली गोल्ड का रेट और ऊपर जाने का उम्मीद है और ऊपर जाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा डे टू डे आके गोल्ड ज्यादा से ज्यादा खरीदा है। अभी जिस तरीके से सोने के दामों में तेजी का रुख बना हुआ है, वो आने वाले समय में और बढ़ता हुआ नजर आएगा और सोने के दाम बहुत जल्द 57,000 तक जाते हुए नजर आएंगे। और ऐसे समय में चांदी के दाम भी लगभग 80,000 तक पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। आखिर सोने की कीमतों में इतनी तेजी क्यों आ रही है? इसके पहले 2007, 2009 और 2012 में भी ऐसा ही देखने को मिला था। मौजूदा तेजी के पीछे जानकारों का मानना है कि ग्लोबल रिसेशन में सोने की चमक बढ़ गई है। सेफ हेवन बाइंग जब भी सोने में होगी, दाम बढ़ेंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते भी ये महंगा होगा। जब भी सोने के दाम गिरते हैं, सेंट्रल बैंक अमूमन खरीदी करते हैं। इसी वजह से भी सोने के दाम में तेजी बनी रहती है। जिस तरीके से कोरोना की क्राइसिस चल रही है, उसकी वजह से यूएस से स्टिमुलस होप में भी सोने में तेजी बनी हुई है। और अभी सेंट्रल बैंक भी अपने सोने के रिजर्व को यहां पर बढ़ा रहे हैं और इसी वजह से सोने के दामों में बड़ी तेजी का दौर चल रहा है और आने वाले वक्त में अभी सोने के दाम घटते हुए नजर नहीं आ रहे। त्योहारी मांग के साथ ही अगर किसी देश ने अपने रिजर्व को सोने में बढ़ाया तो भी सोने के दामों में लंबी तेजी बनती है। अब भारत में फ्लॉप वेडिंग सीजन के बाद फेस्टिव सीजन में सोने की बिक्री के लिहाज से हिट होने की भरपूर उम्मीद है। अभी तो ऑफ सीजन है, कमिंग सीजन अगस्त सितंबर अक्टूबर दीपावली तक पूरी तरह से 100% to 150% तक बढ़ने का चांस दे रही है इसका बिजनेस। एक वेडिंग सीजन मिस तो हो गया, लेकिन लोगों के पास कैश इन हैंड है, लोग ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी सोने पर भरोसा और सोने पर लोगों का प्यार कोरोना में भी जमकर बरस रहा है। अगर शादी के लिए शॉपिंग नहीं हुई तो अब फेस्टिव सीजन में सोने की खासी खरीदारी होने की उम्मीद है।